नमस्कार। आज की कक्षा में हम परिमेय संख्याओं को आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिखना सीखेंगे। राइटिंग द रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसके कुछ नियम है, इसको हम लोग देखते हैं। कुछ तरीके हैं, मेथड्स हैं। दिए गए परिमेय संख्याओं के हर को समान करेंगे। इस प्रकार प्राप्त समान हर वाले परिमेय संख्याओं के अंश को आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिखेंगे। अगर आरोही क्रम में हमें लिखना है तो अंश को आरोही क्रम में सजाएंगे, और अगर परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना है तो अंश को हम लोग अवरोही क्रम में सजाएंगे। दूसरा यह है, यदि दिए गए परिमेय संख्याओं के अंश समान हो, ऐसी परिस्थिति भी हो सकती है, ऐसे प्रश्न हो सकते हैं जिसमें अंश समान हो, तो उन परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखने के लिए हर को घटते क्रम में लिखेंगे, है ना। और तीसरा यह है, यदि दिए गए परिमेय संख्याओं के अंश समान हो तो उन परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखने के लिए हर को बढ़ते क्रम में लिखेंगे। ये दो और तीन में देखिए कि अगर हमें अंश समान दिए हुए हैं परिमेय संख्याओं के, तो आरोही क्रम में लिखने के लिए हर को घटते क्रम में लिखना है, और अवरोही क्रम में हम हर को बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो इन तीनों मेथड्स को कुछ उदाहरण की सहायता से हम समझने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। एक एक उदाहरण लेते हैं। पहला ये उदाहरण है, इसमें दिए गए परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखें। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि हर समान है, पहले से ही हर समान है, हर समान करने की आवश्यकता नहीं है। ये यहां भी पांच है, यहां भी पांच है, यहां भी पांच है। तो सिंपली जो है हम देखेंगे अंश को बढ़ते क्रम में। तो अंश जो हमारा यहां पर बढ़ता क्रम क्या होगा, -3, -2, -1, यही बढ़ता क्रम है। अर्थात -3 से बड़ा है -2, -2 से बड़ा है -1। तो यहां पर आरोही क्रम मतलब दिया गया प्रश्न का जो आरोही क्रम होगा वो क्या होगा, ये पहले से आरोही क्रम में ही है ना। -3/5, -2/5 और -1/5, ये क्लियर है। चले अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। यहां पर देखिए आरोही क्रम में सजाना है, और यहां है -1/3, -2/9, -4/3। तो यहां हमें जो हर है इसे समान करना होगा। हर चूंकि समान नहीं है, यहां 3 है, यहां 9 है, यहां 3 है, तो हम लोग ये 3, 9 और 3 का एलसीएम यानी लसा निकालते हैं, तो निश्चित रूप से इसका एलसीएम 9 होगा। तो अब हर समान करने के लिए हम सभी का हर को 9 में बदलेंगे, तो इसको हम ऐसा लिखेंगे -1/3। अब यहां हर को हमको 9 करना है तो क्या करेंगे, इसको 3 से गुना करेंगे हर को, तो अंश को भी करेंगे, तो ये हो जाएगा -3/9। -2/9 ये तो ऑलरेडी इसका हर 9 है, इसे कुछ नहीं करना है। -4/3 तो बराबर -4/3, इसका भी हर हमें 9 करना है, तो हर और अंश दोनों को 3 से गुना करेंगे तो ये हो गया -12/9। अब यहां पर देखिए, ये है -3/9, ये है -2/9 और ये -12/9। तो सबसे छोटा इसमें कौन है, हमें आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में सजाना है, तो सबसे छोटा कौन होगा, -12 होगा, उसके बाद -3 होगा, उसके बाद -2 होगा।
चूंकि माइनस 12/9 से बड़ा है -3/9 और इससे बड़ा है -2/9, इसलिए आरोही क्रम जो होगा, आरोही क्रम क्या हो जाएगा, -4/3, उसके बाद -1/3 और इसके बाद -2/9। ठीक है, ये हमारा आरोही क्रम हो गया। इसे थोड़ा सा फिर से लिखते हैं, ये नीचे आ गया है। हाँ, यहां पर लिख रहे हैं आरोही क्रम, आरोही क्रम। तो ये -12/9 था, तो यहां पर था ये -4/3, उसके बाद -1/3 और उसके बाद -2/9। अब अगला हम लोग देखते हैं उदाहरण, ये उदाहरण नंबर 3 देखिए। तो इसमें क्या है कि इसका अंश तीनों का बराबर है, समान है ना। अंश जब समान है तो यहां पर देखिए हमने क्या कहा था, यदि दिए गए परिमेय संख्याओं के अंश समान हो तो उन परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखने के लिए हर को घटते क्रम में लिखते हैं, हर को घटते क्रम में लिखेंगे। ठीक है, तो हर में अगर हम घटते क्रम लिखेंगे तो सबसे बड़ा ये है, तो ये हो जाएगा ऐसा 3/7, इससे बड़ा हो जाएगा 3/4 और इससे बड़ा हो जाएगा 3/2। तो आरोही क्रम इसका हो जाएगा, आरोही क्रम इसका हो जाएगा यही 3/7, 3/4 और इसके बाद 3/2। अब यहां पर चौथा नंबर देखिए, -3/7, -3/2, -3/4, यहां भी अंश समान है। तो यहां पर एक थोड़ा सा सावधानी ये करेंगे कि हम इसे फिर से लिखते हैं, तो यहां पर क्या करेंगे, 3/-7 लिख रहे हैं, ये जो ऊपर में माइनस है ना उसको हम नीचे ला दे रहे हैं, इससे थोड़ा सुविधा होगा समझने में। 3/-2 हो गया, ये तो हो गया 3/-4। अब यहां पर देख रहे हैं कि अंश समान है, तो जो हर है इसको घटते क्रम में हमें लिखना है ना। तो -7, -2, -4, इसमें अगर हम देखेंगे घटते क्रम में तो सबसे बड़ा कौन है, ये है -2, उससे बड़ा -4, नहीं सॉरी, -2 सबसे बड़ा है, उससे छोटा -4 और उससे छोटा -7 है। तो ये इस प्रकार है, 3/-2 और इससे छोटा है 3/-4 और इससे छोटा है 3/-7। अतः आरोही क्रम ये क्या हो जाएगा, अब ये माइनस को हम ऊपर कर लेते हैं, तो -3/2,
माइनस तीन बटा चार और माइनस तीन बटा सात। यहां माइनस सिर्फ हमने इसलिए किया था ताकि हमें ये जो क्रम है वो समझ में आ जाए। तो आशा है कि आरोही और अवरोही क्रम में सजाना, अर्थात दिए गए परिमेय संख्याओं को आरोही अथवा अवरोही क्रम में सजाना आप अच्छी तरह सीख गए होंगे। इसमें हमने जो उदाहरण लिया सिर्फ आरोही क्रम का लिखा है, तो ठीक इसी तरह से अवरोही क्रम में भी करेंगे। धन्यवाद।